नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हो रहा सुबह का टाइम। सुबह सुबह मैं आंगन को धो रही थी। पहले मैं खुली में गली में दी, मतलब गोबर लगाई, उसके बाद आंगन को धो के फिर मैं घर पर में गोबर लगाई, फिर नहा धो के मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ। और नहा के मैं देखिए पूड़ी बना रही हूँ प्रसाद के लिए। और आज बता दूं कि आज गुरुवार है और वट सावित्री पूजा हम लोग गुरुवार को ही कर रहे हैं। मतलब बंगला पांजी में जो दिया रहता है, हम लोग उसी बंगला पांजी के हिसाब से ही सारे त्यौहार करते हैं। वैसे तो कैलेंडर में दिया है कि शुक्रवार को 19 तारीख को वट सावित्री, पर हम लोग गुरुवार को ही कर रहे हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले मैं पूड़ी बनाई, उसके बाद आटे का ये गुलगुला जो होता है वो मैं बनाई, आटे में पूरा डाल के। तो पूड़ी बन गया मेरा, उसके बाद गुलगुला को बनाई, उसके बाद इसी कढ़ाई में तेल को रख लूँगी। उसके थोड़ा सा तेल मतलब कढ़ाई में था, बाकी सब मैं ढाल के रख ली थी। और इसी में मैं हलवा बना रही हूँ सूजी का। तो पूड़ी मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बना पाई थी, पूड़ी हलवा और ये गुलगुला मेरा बन गया और फल उल था। उसके बाद देखिए 11 बजे के टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ बरगद का पेड़ लाइए। यहाँ पे पूजा करने के लिए पंडित जी पहले ही आ गए थे, बहुत फोन भी कर रहे थे, पर मैं कोशिश करती हूँ जल्दी करने की, पर मेरा नहीं होता है जल्दी। 11 बजे गया था, वो 10 बजे बुलाए थे। सब पूड़ी वूड़ी मतलब बनाते बनाते यही गया। और सुबह जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन तो लिपाई पुताई मतलब धोना पड़ता है, आंगन में धोना पड़ता है। इसी वजह से मतलब मेरा नहीं होता है जल्दी, बहुत लोगों का जल्दी जल्दी हो जाता है। 11 बजे पंडित जी बार बार फोन कर रहे थे कि आइए जल्दी आइए। तो 11 बजे बरगद का जो पत्ता होता है वो माता में मतलब माता में करके रख लेते हैं और वही घर जाके उसको मतलब बांधा जाता है। माता में जो पत्ता दिख रहा है ये एकदम छोटा वाला पत्ता है, लाल है, हरा हुआ है। पंडित जी एक घंटा लग ही जाता है पूजा में, एक घंटा तक पूजा कथा हो गया। उसके बाद पूजा कथा होने के बाद बरगद के पेड़ में मतलब लगाया जाता है, अर्पण लगाया जाता है, वही हम लोग लगा रहे थे। ये चावल के आटे का रहता है, फिर हल्दी भी लगाया जाता है। उसके बाद अभी धागा लेके अभी हम लोग फेरी लगाएंगे पेड़ के चारों ओर। तो मैं सिंदूर को इसमें पेपर में ले रही हूँ, प्लास्टिक से मतलब निकाल के नहीं बन रहा था तो उठा के पेपर में फिर देखिए मैं लगाई हूँ। यहीं पे धागा तो मतलब चिपका के फिर हम लोग फेरी लगाते हैं। यहाँ पे अर्पण लगाती हूँ, मतलब चावल का आटा और हल्दी और सिंदूर लगाती हूँ। और मेरा सर्दी मतलब जुकाम हो गया है, जैसे त्यौहार रहता है तो लगातार 3-4 दिन तक बाल धोना पड़ता है, मेरा बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब ज़्यादा बाल धो के नहाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता जल्दी जल्दी। सप्ताह में 2 दिन बालों के नहाए तो ठीक रहता है, लगातार 4 दिन से धोना पड़ रहा है तो इसलिए मेरा हो गया, मेरा हो ही जाता है सर्दी जुकाम, बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा
खांसी आ गया था, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए हम लोग एयरफोन लगा के धागा लेके हम लोग फेरी लगा रहे हैं और बहुत सावधानी से मतलब लगाना होता है फेरी, नहीं तो फिर टूटने का डर रहता है, टूटे ना, इसीलिए सावधानी से करना पड़ता है। और एक एक करके चना गिराती जा रही थी और देखिए मतलब धागा में खोलती जा रही थी, खोल खोल के धागा को लपेटती जा रही थी और चना और धागा मतलब उलझना भी नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा ही हो गया था उसमें, उसका वाला धागा भी उलझा नहीं था उतना, थोड़ा सा लग रहा था कि उलझ गया, नहीं उलझा था। देखिए हम लोग फटाफट फेरी लगा रहे हैं और एक एक चना डालना होता है, जितना लंबा आपका धागा हो उतना होता है। तो ये धागा मेरा लंबा ही था इसलिए मेरा थोड़ा ज़्यादा ही चला, शायद 16 बार हुआ था धागा को, मतलब जितना रहता है सारे लपेट देते हैं धागा। वही अभी धागा ले लेके घूम रही हूँ। और 11 बजे के बाद आए थे हम लोग तो बहुत ज़्यादा धूप भी था, चप्पल पहन के नहीं आए, मतलब कैसे आते चप्पल नहीं पहने थे, तो बहुत ज़्यादा ज़मीन तो गर्म हो गया था। गाड़ी से उतरे उसके बाद इधर आए तो इतना ज़्यादा मतलब ज़मीन तो गर्म हो गया था। और देखिए मेरा बार बार धागा संभालते संभालते मेरा घूंघट बार बार गिर जा रहा है, बचते बचाते ऐसे कि टूटे ना, इसी वजह से सावधानी से करना पड़ता है आराम आराम से। कोई कोई धागा छोटा रहता है तो तीन बार या पांच बार में ही वो ख़त्म हो जाता है, पर ये धागा लंबा था थोड़ा ज़्यादा ही चला। और थोड़ा सा बचा था वही पंडित जी पूछ रहे थे, पंडित जी ये कितना अभी बचा है धागा, तो बोले और ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही है। और इसके बाद मतलब कथा, ऐसे तो कथा हो गया है, मोबाइल में फिर से लोग कथा सुनते हैं धागा ये करने के बाद, उसके बाद आरती होता है। धूप है तो पंडित जी उठ के साइड हो गए थे कि धूप लग रहा है, छाँव में चल गए थे जब तक हम मतलब हम लोग ही लगा फेरी लगा रहे थे धागा को लेके। यहाँ पे फिर मैं धागा को उसी धागा के सामने जहाँ से मैं शुरू की थी वहीं पे इसको ले जाके चिपका दी, दोनों धागा को एक साथ चिपक के रह जाएगा। और पंडित जी आए, मोबाइल में कथा लगाए थे सावित्री सत्यवान का कथा, सावित्री माता का, उसके बाद कथा हो गया। और लास्ट में देखिए हम लोग ये कर रहे हैं बरगद का पेड़ मतलब गले मिलना होता है,
फिर उससे पहले ही हम लोग सिंदूर एक दूसरे को लगा दिए थे और उसके बाद गंगा जल नहीं शांति जल छिड़का जा रहा है, तो पैर में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए बैठ के ही शांति जल लेना चाहिए पैर ढक के। तो इसलिए बैठ के शांति जल ले लिए, हो गया पूजा जो कंप्लीट हो गया। पंडित जी बाबू को टीका लगा रहे थे, अपनी बात नहीं उसके बाद यहाँ पे जो भी थे उन लोग को प्रसाद दे देते हैं पंडित जी, और घाट को हिला देते हैं, घाट बैठाए हैं। तो पंडित जी अपना जो जो प्रसाद उसे चढ़ाए, पहले वो समेट रहे थे, वो अपना वाला चढ़ाए हुआ समेट लेंगे, उसके बाद प्रसाद दे दिए सबको। तो देखिए मैं पूजा करके आ गई हूँ, और आके अब पूजा करके आने के बाद पति को प्रसाद दे दी, पैर धुला के प्रसाद उसका खिला के, पंखा से हवा करना होता है तो वही मैं हवा कर दी और प्रसाद उसका दे दी, बच्चों को भी दे दी। और मैं अभी शरबत पीऊँगी, उसके बाद मैं भी प्रसाद खाऊँगी फिर शरबत पीऊँगी। तो दोस्तों यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।